नमस्कार मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। हर वर्ष मिथिला मंच न्यूज आपके लिए लाती है कुछ नया, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज को 2017 में हमारे दर्शकों ने इतना सराहा, YouTube पर भी देखकर हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दी, हमारे पूरे टीम को उत्साहित किया। जब तक आप लोगों का सहयोग और प्यार नहीं मिलेगा, मिथिला मंच न्यूज को कुछ बेहतर करने का एक जो सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि मिथिला मंच न्यूज टीम को पूरे वर्ष आपने मदद की है, सहायता दी है, अपने तरीके से उन्हें सराहा है। हमारी टीम के रिपोर्टरों को, हमारे जो ऑफिस कार्यालय में एडिटिंग करते हैं, उन्हें आप उनके कार्यों को आपने सराहा है, उन्हें धन्यवाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। मिथिला मंच न्यूज की टीम की तरफ से भी हम आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं। हम लाते हैं आपके लिए कुछ नया, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मिथिला मंच न्यूज विधायक बुद्धिजीवियों को स्टूडियो में बुलाकर उस मुद्दे पर हम चर्चा भी करते हैं। मिथिला मंच न्यूज टीम दरभंगा के ज्वलंत मुद्दों पर हम क्षेत्र में जाकर वहां के लोगों की राय लेते हैं और उस पर प्रशासन से कार्रवाई करवाते भी हैं। यही नहीं, जो बुरे काम करने वाले हैं, जो अपराधी हैं, जो हमारे समाज को किसी न किसी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मिथिला मंच न्यूज का मिशन भी चलता है और हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करा चुके हैं। शराब को लेकर के भी मिथिला मंच न्यूज ने कई जगह उद्भेदन किया और पुलिस ने छापेमारी कर ऐसे लोगों को न पकड़ा बल्कि शराब भी बरामद किए गए। इसके अलावा वरीय अधिकारियों के से साक्षात्कार मिलकर हम दरभंगा के ज्वलंत मुद्दों, गंभीर समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उसके समाधान की प्रक्रिया के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। दरभंगा के शिक्षा जगत के लिए भी हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज के जरिए शिक्षकों में एक नए चेतना उमंग भरने के लिए, शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, छात्रों को एक नया कैरियर प्रदान करने के लिए, छात्र और शिक्षक के बीच एक सहयोग बनाने के लिए मिथिला मंच न्यूज आगे आई। 2017 मिथिला मंच न्यूज के लिए भी लगातार सफलता का और काम करने का एक नया उद्देश्य, मिशन के साथ काम करने का एक नया साल भी रहा है। 2018 में इसे और बेहतर करके हम आपके समक्ष लाएंगे, ताकि हम चाहते हैं दरभंगा के, मधुबनी और समस्तीपुर के तमाम दर्शक मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम से लाभ उठाते रहें। सिटी केबल नेटवर्क के उन तमाम केबल ऑपरेटर्स, संचालक एवं वहां कार्य कर रहे सभी कर्मियों का मिथिला मंच न्यूज टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे समाचार को, हमारे कार्यक्रम को बखूबी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया क्वालिटी के साथ। क्योंकि जब तक सभी लोगों का संगम नहीं होता, सभी लोगों का सहयोग नहीं होता, तब तक विकास की धारा नहीं बढ़ सकती, कुछ नया नहीं हो सकता। इसलिए हम आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला मंच न्यूज से अभी हम आपको दिखाते हैं 2017 की क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी, एक बार आपको याद दिला दें, यानी कि याद करें 2017, उसकी कमियों को, उसकी गलतियों को, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियों को याद करें, ताकि 2018 में वो गलती ना हो और कुछ नया अचीवमेंट हमें प्राप्त हो सके। तो मिथिला मंच न्यूज का 2017 का डायरी हम आपको दिखाते हैं, देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। सत्रह में कई भूले भसरे याद, कई ऐसी गलतियां, कई ऐसे अपराध हुए जिस पर लोगों ने बखूबी ध्यान दिया और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की। विभिन्न बैंकों के द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र चलाए जा रहे थे और इन ग्राहक सेवा केंद्रों में गरीब जनता के पैसे को बखूबी लूटा भी गया है। कई जगहों पर, कई जगह ग्राहक सेवा केंद्र को बंद कर दिया गया, वहां के जो संचालक है वो वहां से फरार हो गए बैंक बंद करके, हजारों रुपए लोगों के, गरीब लोगों के पैसे उसमें फलते चले गए। ग्राहक सेवा केंद्र का क्या अस्तित्व था और क्यों इस तरह हुआ, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बता दें, पंचोब में ही ऐसे ग्राहक सेवा केंद्र पर लोगों ने बुरी तरह एक आदमी को पकड़ा और पकड़ कर पीटा भी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उस पर आरोप था कि हजारों रुपए, लाखों रुपए लोगों का गबन कर बैंक ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर वो फरार हो गया। देखिए पंचोब की घटना। सर्जन बेरोजगार पुरुष व महिलाएं रोजगार हेतु बैंकों से ऋण दिलाने के नाम पर बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पंचोक के संचालक सह पंचोक निवासी विद्यानंद चौधरी के पुत्र मनीष कुमार को SBI दरभंगा शाखा से ग्रामीणों ने पकड़कर बहादुरपुर थाना के हवाले कर दिया।
वहीं दूसरी तरफ हरपट्टी प्रेम जीवर एवं शलहा निवासी लाल कमती मोहम्मद शबीर देवदास मननी गरान दास सहित लगभग 49 व्यक्तियों से लोन के नाम पर 7,000 8,000 10,000 रुपया लगाने का ठगने का आरोप लगाया गया। गौरतलब के एएसपी दिलवाज अहमद थाना पहुंचकर मामले का जानकारी प्राप्त किया। 2017 में कई जगह चोरी की भी घटनाएं हुई है और चोरी की घटना का उद्भेदन भी हुआ। ठंड के समय में लोग ज्यादा चोरी करते हैं। जनवरी और फरवरी में भी 2017 में कई घरों में चोरियां हुई, ताले तोड़ दिए गए और वहां के सामान लूट लिए गए। व्यवसायी के घर में भी ऐसी ही घटना घटी जिससे व्यवसायी के परिवार ने आसपास के लोगों की संलिप्तता को ही आधार माना था। कहा जाता है कि दिलीप मंडल पिछले दो दिनों से डायरिया से ग्रस्त हैं और शहर के आरबी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती थे। वहीं दूसरी तरफ घर पर एक केयर टेकर देखभाल करता था और रात को वहीं सोता था, लेकिन बीती रात वह किसी कारणवश नहीं सो पाया, जिसका फायदा चोरों ने जमकर उठाया। बताते चले कि चोरों ने एक मुख्य दरवाजे के साथ दो दरवाजे के ताले को तोड़ दिया, जिसमें चोरों ने एक लाइसेंसी पिस्टल सोने चांदी गहने सहित नगद राशि लेकर चला गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया। चोरों को पकड़ने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। 2017 की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा था सिमी सलोनी की हत्या या फिर आत्महत्या। लोग चर्चा में थे और सुबह सुबह जनवरी में ही जुलाई जब हम कहें तो सिमी सलोनी बैडमिंटन खिलाड़ी की हत्या हो गई थी और उसकी लाश पानी टंकी के सामने मिली। कहा जाता था कि अजय सिन्हा की पुत्री की वाटर वेज में हुई हत्या या आत्महत्या सुर्खियों बनी रही। लोग अपने अपने तरह से चर्चा करते रहे। पुलिस आई, लाश को बरामद की, कभी पानी टंकी में कार्य करने वाले कर्मी पर तो कभी छेड़खानी करने वाले युवक पर। संदिग्ध के घेरे में रही सिमी सलोनी की हत्या बैडमिंटन खिलाड़ी की सुर्खियों में रहा। बहादुरपुर क्षेत्र के घर से सिर्फ 40 से 50 मीटर की दूरी पर सिमी सलोनी की लाश मिलने से पूरे इलाके को हिला कर रख दी है, क्योंकि जिस तरह से इसकी लाश छत बिछत अवस्था में पाया गया है, इसके कारण लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर अपने घर के पास इस तरह की दिल दहलाने वाली लगभग 17 वर्ष की एक लड़की के साथ इस तरह कैसे हुई मौत। तो हम बता दें 2017 में ही एक नाबालिग लड़की के अपहरण का भी मामला प्रकाश में आया, जब उडवाइन स्कूल जा रही एक 9वीं क्लास की छात्रा का अपहरण हो गया। रामगंज मोहल्ले निवासी की पुत्री जब अपने घर से स्कूल जा रही थी, उसी बीच में उसका अपहरण और तीन लड़कों को नामजद बना दिया गया था। यह भी सुर्खियों में रहा 2017 में। लहरेसर थाना क्षेत्र रामगंज मोहल्ला के ओम प्रकाश आनंद की नाबालिग पुत्री देवकी आनंद का उडवाई स्कूल जाने के क्रम में अपहरण हो गया। वही 9वीं की छात्रा थी वो। रोज की तरह आज भी घर से 6:30 बजे स्कूल के लिए निकली। छुट्टी के उपरांत घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन आरंभ किया। नहीं मिलने पर अपहर्ता की मां शीला देवी ने लहरेसर थाना में प्राथमिक दर्ज कराया। अजय सिन्हा की पुत्री वाटरवेज निवासी सिमी सलोनी की हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लवली आनंद बहादुरपुर थाना क्षेत्र के वाटरवेज मोहल्ले पहुंचकर सिमी सलोनी के घर के परिवार वालों से मिली और हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई और पहली बार वहां सीबीआई जांच की मांग की गई और वहां यह आरोप लगा कि प्रशासन इस मामले को अनदेखी कर रही है। यह मामला वाटर मोहल्ले के सिमी सलोनी हत्या के बाद राजनीतिक विवाद हुआ और वहां पहुंची लवली आनंद। बैडमिंटन के राष्ट्रीय खिलाड़ी सिमी सलोनी की हत्या का मामला पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। वहीं फ्रेंड्स ऑफ आनंद के नेता लवली आनंद बहादुरपुर थाना क्षेत्र के वाटरवेज कॉलोनी स्थित निकिता के आवास पर पहुंचकर परिवार वालों से मिलकर संतावना देते हुए सीबीआई से मामले की जांच कराने की मांग करते हुए हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। गौरतलब के देर रात तक पुलिस छापेमारी कर रही है, बुधवार तक मामले का खुलासा हो जाएगा। यही नहीं, सिमी सलोनी की हत्या के बाद राजनीतिक रंग और पारा चढ़ गया। सभी दलों ने भी विरोध करना शुरू किया और हत्यारे की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने भी सिमी सलोनी की हत्यारों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लहरियासराय टावर सहित कई जगहों पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और पुलिस के समक्ष हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस पूरी तरह संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में लगी रही, लेकिन बाद में पता चल रहा था कि किसी न किसी घर के एक सदस्य का उसमें हाथ है और पुलिस खामोश थी, लेकिन राजनीतिक उबाल जोरों पर था।
बैडमिंटन खिलाड़ी सिमी सलोनी के हत्यारे की गिरफ्तारी के मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद। जुलाई में ही एक ऐसी घटना घटी कि दरभंगा के कैदराबाद निवासी परेशान हो गए, क्योंकि जुलाई में अगर किसी के घर में चोरी हो, वो भी ताला तोड़कर, तो ये आश्चर्य का विषय है और वहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संलिप्तता या फिर लापरवाही ही बता सकती है। लोगों में आक्रोश रहा क्योंकि वार्ड नंबर 2 में राकेश कुमार नाम के नाका नंबर 2 के पास रहने वाले एक व्यक्ति के घर में ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सामान उड़ा लिए और बाद में पता लगा कि पुलिस आसपास के किसी लोग की संलिप्तता बताती रही। इंदिरा शहर में चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। ऐसे ही एक घटना 26 जुलाई बाद में नाका नंबर 2 के पास राकेश कुमार के घर में चोरों ने ताले को तोड़कर एवं घर में घुसकर 2 लाख की संपत्ति उड़ा ले गए। छात्रों का प्रदर्शन लगातार अपने अपने मुद्दों पर रहा, खासकर 2017 में लगातार प्रदर्शन भी है, जब साकेत कुशवाहा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उस समय छात्र संगठनों का विरोध रहा, छात्रों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, तो उस समय काफी कर्मचारियों ने भी धरना प्रदर्शन किया। तो छात्रों का प्रदर्शन महेश्वरी लता संस्कृत विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में, ये दरभंगा के हराही पोखर अवस्थित, जहाँ छात्रों ने छात्रों के साथ न्याय नहीं किए जाने एवं छात्रों का नामांकन नहीं होने और वहाँ के शिक्षकों के द्वारा अवैध रूप से पैसा वसूलने को लेकर के मासिक वेतन उठाने को लेकर के छात्रों का विरोध रहा। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने सोमवार को महाविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वही छात्रों का कहना है कि हम लोगों को छात्रावास में पानी और बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, जहां चापाकल से बालू निकलता रहता है, तो बीते कई दिनों से छात्रावास में बिजली नहीं है, क्योंकि बिजली का मीटर रिचार्ज करवाना पड़ता है जो प्राचार्य नहीं कराते। वही प्राचार्य ने सभी बातों को निराधार बताते हुए सभी बातें राजनीति से प्रेरित बताया। दरभंगा रेल DSP दरभंगा पहुंचे, SSP भी दरभंगा पहुंचे और उन्होंने दरभंगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। कहा जाता है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर GRP के द्वारा एक लंबित मामले को लेकर के और दरभंगा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए मुजफ्फरपुर से रेल SP भी पहुंचे और वहां से जो कर्मी थे उनकी उनसे वार्ता की, आसपास के जो TT थे, स्टेशन अधीक्षक थे, उनसे वार्ता कर रेलवे स्टेशन पर व्याप्त खामियों को उजागर करने का प्रयास किया और इसके लिए विशेष हिदायत भी रेल GRP को दी गई। एक पखवाड़ा बाद दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। वही रेलवे के अभियंत्रण विभाग की टीम ने 3 सितंबर को थलवाड़ा हायाघाट के बीच पुल संख्या 16 व 17 फीट दे दिया। इस खंड पर पहली ट्रेन के रूप में नई दिल्ली से आ रही स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस गुजरी। इससे पूर्व पुल का ट्रायल लिया गया, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं मिलने के बाद परिचालन के लिए इसे फिट घोषित कर दिया गया। पहले दिन लंबी दूरी की 3 ट्रेनें इससे होकर गुजरी। वही सोमवार से सभी ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गई, जिससे यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वही दूसरी ओर कई ट्रेनें लेट है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी और गरीब रथ 20 घंटे के ज्यादा देरी से दरभंगा जंक्शन पहुंचे। दरभंगा DMCH के डॉक्टरों के लिए भी कोई अच्छा नहीं रहा। कई बार DMCH के डॉक्टरों को परिजनों के साथ मारपीट हुई, हंगामे हुए, DMCH के डॉक्टरों को हड़ताल पर जाना पड़ा। हड़ताल से वापस लाने के लिए DMCH प्रशासन को काफी मानवमनोबल लिखित आश्वासन भी देना पड़ा। कई बार डॉक्टरों के साथ हुई हाथापाई और DMCH के आसपास बैरियर लगाने की मांग जूनियर डॉक्टरों ने की थी। लगातार 2017 में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल और हड़ताल के बाद जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन के द्वारा डॉक्टरों की मांग को पूरी करने का बात की गई थी। उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स काम पर वापस लौटे अपनी मांगों के साथ, लेकिन 2017 में जूनियर डॉक्टरों ने 3 से 4 बार हड़ताल पड़ गए अपनी समस्याओं को लेकर के, जो राज्य की समस्या थी उसको लेकर के, डॉक्टरों पर हो रही हाथापाई के वजह से या आक्रोश जो डॉक्टर पर होता है, जो तकनीकी खामियों की वजह से वहाँ की दवा नहीं मिलती है, वहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ है वो काम नहीं करते हैं, नर्स की गलती की वजह से खामियाजा जूनियर डॉक्टरों पर भुगतना पड़ा। 2017 में DMCH कई बार हड़ताल रहा। DMCH में जिला प्रशासन एवं DMCH प्रशासन से वार्ता के बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए। वही सभी विभाग में सुचारू रूप से रोगी का इलाज हो रहा है। मानवों की सुरक्षा एवं जीवन रक्षक दवा के मांग को लेकर 2 दिनों से जूनियर चिकित्सक हड़ताल पर थे। DMCH के जब जूनियर डॉक्टरों पर
कि लगातार जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन से कई बार नोक झोंक भी हुई। डीएमसीएच के बच्चा वार्ड में 6 लोगों को ब्लड चढ़ाए जाने से मौत की सूचना मिलने के बाद डीएमसीएच में अफरा तफरी हो गई। बाहर से जांच मेडिकल टीम आई और उन लोगों ने जांच की, बाद में इसे गलत साबित किया गया। डीएमसीएच के प्रचार ने भी मिथिला मंच न्यूज को बताया कि ये जो सूचना आई है वो गलत है। 6 मरीजों की मौत गलत ब्लड चढ़ाने से नहीं हुई, बल्कि अलग अलग बीमारियों से उनकी मौत हुई है, जो डीएमसीएच को बदनाम करने की एक साजिश रही। डीएमसीएच में रोगी का इलाज कर रहे पीजी चिकित्सकों ने ब्लड चढ़ने से 6 रोगी की मौत एवं 26 रोगी पर रिएक्शन होने के मामले को डीएमसीएच प्रचारी डॉक्टर आर के सिन्हा निराधार बताते हुए कहा कि ब्लड चढ़ने से कोई भी विभाग में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधीक्षक डॉक्टर संतोष मिश्रा के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में पीजी चिकित्सकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिससे बौखलाकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ओपी थाना क्षेत्र के सहिला गांव में एक पेड़िया रास्ते में ठेला एवं पिकअप ले जाने को लेकर हुई मारपीट में पिकअप चालक फुलवर शाह एवं उनके भाई साधु शाह, राम पुकार शाह ने मिलकर ठेला चालक पूरन शाह एवं बचाव हेतु पहुंची पत्नी समतोला देवी एवं रीना देवी पर ईटा एवं डंटा से प्रहार कर दिया, जिससे वे लोग घायल हो गए और उनका इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में चल रहा है। 2017 में कई ऐसे नॉन बैंकिंग संस्थानों को भी देखा गया सक्रिय होते हुए, जिन्होंने गरीब लोगों का जो जमा पूंजी थी उसे लेकर देने में भी आनाकानी करने लगे और भागने में भी सफल रहे। पुलिस ने ऐसे नॉन बैंकिंग कंपनियों पर भी निगाहें रखी। डीएसपी दिलनवाज अहमद ने कई जगह छापेमारी भरकर जो नॉन बैंकिंग कंपनी थे जो पैसा लेकर भाग रहे थे उन्हें गिरफ्तार भी किया और लोगों को पैसा भी दिलाने का प्रयास किया। ऐसे ही जो मिर्जापुर से स्टेशन रोड में एक स्टेट कोऑपरेटिव संस्थान थी, सोसाइटी थी, जिन्होंने गरीब लोगों के पैसा वापस करने में आनाकानी करते रहे, बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मिर्जापुर स्टेशन रोड स्थित इंडिया मल्टी स्टेट क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पिछले कई वर्षों से लेन देन का काम कर रही है। वहीं जब लोगों की जमा राशि वापस करने का समय हुआ तो बहाना मारकर आनाकानी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शाखा में आए ग्राहकों का कहना है कि जब इसमें खाता खुलवाया गया तो LIC का माइक्रो फाइनेंस कहा गया और LIC के नाम से ही लोगों से जमा राशि लेना शुरू की गई और जब अपने रुपए लेने शाखा में आते हैं तो नहीं कोई अच्छे से जवाब देता है और ना ही इसके मैनेजर मिलते हैं। देखिए एक रिपोर्ट में। 2017 में दरभंगा पुलिस और उत्पाद विभाग के संयुक्त छापेमारी में कई जगह शराब बरामद हुई। ऐसे ऐसे जगह शराब बरामद हुई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी ने अपने घर के अलमारी में शराब को बंद कर धीरे धीरे बेच रहा था, तो किसी ने घर घर पहुंचाने का ठेका ले रखा था, किसी ने अपने खेतों के अंदर खोदकर शराब को जमा कर रखा था, तो किसी ने अपने घर के संदूक में। ऐसे ही जगह पर गुप्त सूचना के आधार पर लगातार पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी होती है। 2017 में अगर देखा जाए तो 24,000 लीटर शराब बरामद किए गए। फकीराखा मोहल्ला लहरेसा थाना क्षेत्र में भी एक घर से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उस घर से करीब 2400 बोतलें बरामद की शराब की। लहरिया थाना क्षेत्र के फकीरा खां मोहल्ले में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने राजू शर्मा की किराए के मकान में छापेमारी कर 75 लीटर बंगाल निर्मित विदेशी शराब बरामद की है। वहीं दूसरी तरफ किराएदार राजा महतो भागने में सफल रहा। शराब ऐसी जगहों पर पुलिस ने अपने संपर्क सूत्र बिठा दिए थे कि कई जगहों पर पुलिस को जो शराब मिली वो पुलिस और जनता भी सोच नहीं सकती थी। कई जगह गौशाला में मिले तो कई रेलवे स्टेशन पर सब्जियों के अंदर शराब की बोतलें पैक करके भेजी जाती थी। शराब माफियों ने हर तरह की तकनीक इस्तेमाल कर ली थी। पुलिस भी चौकन्नी थी। पुलिस को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह इस रूप में शराब आ सकता है। बस के साथ जो सामान आ रहे थे उस सामान के अंदर झारखंड से जितनी बसें आ रही थी उसके तहत शराब उसके रास्ते आ रही थी। पुलिस ने हायाघाट में RPF के संयुक्त छानबीन के बाद अब रेलवे स्टेशन और ट्रेन में भी शराब की बोतलें बरामद की। नई दिल्ली से जयनगर जा रही स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट के स्लीपर कोच से
2 अक्टूबर को आरपीएस की टीम ने 177 बोतल रॉयल स्टेक के क्लासिक शराब बरामद किया। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ आरपीएफ निरीक्षक विनोद कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी के नई दिल्ली से दरभंगा पहुंचने पर आरपीएफ की टीम ने चेकिंग शुरू की, जहां स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट के काकर घाटी स्टेशन पहुंचने के क्रम में स्लीपर कोच संख्या 8 में 77 नंबर बर्थ के नीचे पड़े कार्टून पर आरपीएफ की टीम की नजर पड़ी और उसके संबंध में आसपास के यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने उसके स्वामित्व की जानकारी नहीं दी। गौरतलब के आरपीएफ निरीक्षक विनोद कुमार विश्वकर्मा ने पूरी जानकारी प्रदान की। गरीबों को मिलने वाले अनाज अगर सड़े हुए मिले तो कितना दुख पहुंच सकता है उन परिवारों को, कितना आक्रोश होता है सरकार से, प्रशासन से, इस बात का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। 2017 में कई जगह कई वार्ड पार्षदों के आरोप पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुई, कई जगह खद्धानों से आए हुए अनाज सड़े हुए मिले। इस बात को लेकर के जिला प्रशासन जब जागी तब छापेमारी की गई हायाघाट के गोदाम पर। प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से खराब अनाज को जब्त किया। लोग लगातार आरोप लगा रहे थे सड़े हुए अनाज गरीब लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही है और इसकी जांच भी हुई। कई जगहों पर वार्ड नंबर 48 के साथ कई ऐसे वार्ड थे जहां सड़े हुए अनाज पुलिस और प्रशासन ने जब्त की। हनुमान नगर थलवाड़ा पंचायत से सीएफसी से कुछ अनाज भेजा जा रहा है डीलरों के पास। जी हां, वही 13 दिसंबर को थलवाड़ा के डीलर फूलबाबू मिश्र के यहां खादान उतारा गया, जिसमें खाद आपूर्ति हनुमान नगर के अरुण लाल, सीएफसी मैनेजर अजय सिंह, शिव नंदन सिंह थलवाड़ा पंचायत के डीलर अर्जुन झा, अरुण शाह पंचायत समिति, ललित कुमार मिश्र पंचायत समिति, दिनेश्वर यादव एवं अन्य ग्रामीण के समक्ष जब खादान का वजन किया गया तो वजन करने पर गेहूं 82.67 ग्राम कमी पाया गया और चावल में 2 क्विंटल की कमी पाई गई। वही सीएफसी मैनेजर ने कहा कि सामान पूरा दिया गया है, तो वही जिला सीएफसी प्रबंधक ने कहा कि इसकी जांच कर मैं उस पर कार्रवाई की जाएगी।